हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो में हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में हम वीडियो में बताएंगे सर्किट ब्रेकर क्या होता है इसका टाइप्स क्या रहता है और वो क्या क्या रहता है इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो पहले हम बात कर लेते सर्किट ब्रेकर क्या होता है ए सर्किट ब्रेकर इज या मेकेनिकल स्विच दैट ऑटोमेटिकली ऑपरेट्स टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय फॉल्ट करंट मतलब सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल स्विच ही होता है जो कि हमारा फॉल्ट करंट के वजह से जो भी डैमेज होता है ना उससे हमारा सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूज करते हैं अभी बात करेंगे उसका टाइप्स के बारे में मेनली जो सर्किट ब्रेकरिया होता है ना वो क्या होता है ना दो टाइप्स होता है एक एसी सर्किट ब्रेकर होता है दूसरा हमारा डीसी सर्किट ब्रेकर होता है ए सी सर्किट के बारे में पहले बात कर लेते जो ए सी सर्किट ब्रेकर होता है ना वो मेनली अगेन डिवाइडेड बाय टू टाइप में होता है लो वोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकर एंड दूसरा होता है हाई वोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकर लो वोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकर के बारे में अभी बात करते हैं द सर्किट ब्रेकर दैट आर यूज फॉर ब्रेकिंग एंड मेकिंग द सर्किट बिलो वन थाउजेंड वोल्ट आर कॉल्ड लो वोल्टेज और ए सी ब्रेकर मतलब हमारा वन थाउजेंड वोल्ट के बिलो में जो सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लो वोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकर उसका अंडर में हमारा आता है एन सी सी भी ए सी भी एम सी भी एंड आर सी सी भी आता है अभी तो बात करते हैं हाई वोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकर के बारे में द सर्किट ब्रेकर दैट आर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग एंड मेकिंग सर्किट एब वन थाउजेंड वोल्ट अरकार हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर ठीक है मतलब जो हमारा सर्किट ब्रेकर को हम वन थाउजेंड वोल्ट से एबव में यूज करते हैं उसको हमारा बोलते हैं हाई वोल्टेज ए सी सर्किट ब्रेकर ठीक है जो हमारा हाई वोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकर होता है ना वो अगेन डिवाइडेड होता है दो डाइस में एक होगा हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड दूसरा हो गया ऑयल लेस सर्कुट ब्रेकर अभी बात करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में द टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर दैट यूज ऑयल एज ए डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मीडियम टू क्विंस द आर्क इज कार्ड एन ऑयल सर्किट ब्रेकर मतलब इस टाइप का सर्किट ब्रेकर में हमारा जो ऑयल होता है ना उसको हमारा एज ए डाइलेक्ट्रिक भी यूज़ करते हैं उसके साथ है एक इंसुलेटिंग मीडियम की तरह भी यूज करते हैं ताकि ये क्या करेगा जो ब्लास्टिंग के साइन मतलब जब हम सर्किट ब्रेकर को ओपन और क्लोज करेंगे वहाँ पर जो आर्क प्रोड्यूस होगा ना उसको रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं जो हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है ना वो अगेन दो टाइप्स होता है पहला हो गया हमारा ब्लॉक ऑयल सर्किट ब्रेकर दूसरा हो गया लो ऑयल सर्किट ब्रेकर जो ब्लॉक ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है ना उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं ब्लॉक ऑयल सर्किट ब्रेकर एम्प्लॉइज ट्रांसफार्मर ऑयल एज़ बोथ The arc, extension medium, and insulating material between the two conductive. ंग कंपोनेंट ऑफ द सर्किट ब्रेकर इसका मतलब जो हमारा ब्लॉक ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है ना उसके अंदर जो ऑयल रहता है ना वो तो हमारा जो ब्लास्टिंग के टाइम जो आर्ग प्रोड्यूज होता है उसको रिड्यूस करता ही करता है उसके साथ साथ उसमें जो दो कम्पोनेंट लगाना ना कंडक्टिंग कम्पोनेंट लगाना उस दोनों का बीच में जो इंसुलेटर की तरह भी ये काम करता है अभी बात कर रहे थे लो ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में इन लो ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑयल इज प्राइमरली यूटिलाइज फॉर एक्सोनेसिंग द आर्क थ्रो ए ब्लास्ट एक्शन इसका मतलब जो हमारा लो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है था ना उसमें जो ऑयल होता है था ना वो मेनली यूटिलाइज होता है जो हमारा ब्लास्टिंग का टाइम जो हमारा आर्क होता है ना उसको ही रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है अभी हम बात कर लेंगे ऑयल लेस सर्किट ब्रेकर के बारे में दिस टाइप ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर डज नॉट यूज ऑयल एज एन आर्क उच मीडियम मतलब जो ये टाइप ऑयल लेस हाई सर्किट ब्रेकर होता है ना उसमें हमारा जो ऑयल का यूज ही नहीं होता है उसके अंडर हमारा आता है एच सर्किट ब्रेकर एच वाला सर्किट ब्रेकर तीसरा हमारा एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर चौथा हाँ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सर्किट ब्रेकर एंड द लास्ट वन होगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आता है ये तो था सारे कुछ ए सी सर्किट ब्रेकर के बारे में अब सैकेंड होता है हमारा डी सी सर्किट ब्रेकर डी सी सर्किट ब्रेकर में मेनली वन टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर हम यूज़ करते हैं जो हो गया हमारा एच बी डी सी सर्कुट ब्रेकर ठीक है एच बी डी सी सर्किट ब्रेकर मतलब हाई वोल्टेज डायरेक्ट कॉरेट सर्किट ब्रेकर होता है ठीक है ये था टोटल हमारा जो सर्किट ब्रेकर है उसका टाइप आज का वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू